हमारे यहाँ ना सच्चाई साबित करने के लिए माँ की कस्में खाई जाती है, हिम्मत दिखाने के लिए माँ के दूध का कर्ज याद दिलाया जाता है। हिंदी फिल्मों में डायलॉग खूब चलता था, माँ का दूध पिया है तो सामने आ। इसके पीछे का भाव ये था कि जो बच्चा माँ का दूध पीकर बड़ा होता है वो बड़ा हिम्मती होता है, ताकतवर होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ के शरीर में ये दूध बनता कैसे है और कैसे ये अपने आप बनना बंद भी हो जाता है? सुनने में बड़ा करिश्मा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। इसी विज्ञान की पूरी कहानी क्या है, साथ ही डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि जिन माओं में दूध नहीं बनता या ज्यादा बनता है वो क्या कर सकती हैं। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। 1 अगस्त, महीने की पहली तारीख, दिन सोमवार, और आलसियों के लिए वो दिन है जिसके इंतजार में वो काम टालते आ रहे हैं। 1 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, इसलिए नहीं कि आलसियों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, बल्कि इसलिए है कि आज से ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक शुरू होता है। दुनिया भर में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जागरूकता फैलाने, इसके फायदे बताने और इससे जुड़े मिथक तोड़ने के लिए ये मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग पर बात करने से पहले तो ये जान लेते हैं कि बच्चे को फीड कराने के लिए माँ के ब्रेस्ट में मिल्क बनता कैसे है। क्यूबोटी की उम्र में लड़के और लड़कियां दोनों के शरीर में बहुत बदलाव होते हैं। इसे एज ऑफ क्यूरियोसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में अपने शरीर को लेकर उन्हें कई आशंकाएं होती है, खूब सारे सवाल होते हैं। इसी समय बढ़ते हुए स्तनों को देखकर कईयों के मन में सवाल होता है कि अब अगला स्टेज क्या होगा। कुछ को पता होता है कि माँ बनने के बाद ही स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, पर यह नहीं पता होता कि आखिर ये होता कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है, वजह क्या है। आज भी कई लोगों को ये बड़ा करिश्माई लगता है, स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, बच्चे के पैदा होने के बाद ही क्यों दूध आता है और एक समय के बाद ये बंद कैसे हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने फोन मिलाया डॉक्टर ऋतु सभरवाल को और उनसे कहा कि आसान भाषा में पूरा प्रोसेस समझाइए। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये नॉर्मली 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है इसके लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कुछ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं तो उसके दैट प्रोड्यूसेस मिल्क। और कई बार हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही औरतों को दूध आना शुरू हो जाता है, 2nd मंथ के बाद भी आ सकता है। और यूजुअली किसी किसी को डिस्चार्ज पानी की तरह ही आता है, और बाद में मिल्क जो प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन जो लेवल जब ज्यादा बढ़ते हैं सून आफ्टर डिलीवरी, तो तब प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब जो दूध आना शुरू होता है, और उसका बहुत सारा फैक्टर ये है कि दूध कब बंद होगा, इसके लिए डिपेंड करता है कि आप कब तक बच्चे को फीड कर रहे हैं। अब कोई कोई लेडीज जो है 2-2 साल तक फीड करती है तो उनका 2 साल तक दूध आता रहता है, लेकिन कई औरतें हैं जैसे अगर आप दूध पिलाना बंद कर देंगे तो उसको जब स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एक वो रिफ्लेक्स आंख बना हुआ है, अगर आप वो उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, बच्चा दूध नहीं पिएगा, तो ग्रेजुअली दूध आधा में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अगर आप 3 महीने दूध पिलाएंगे और उसके बाद दूध पिलाना बंद कर देंगे तो दूध आना बंद हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही दूध नहीं पिलाएंगे बच्चा पैदा होने के बाद, तो 1 हफ्ते बाद भी दूध आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 साल तक दूध पिलाती रहेंगी तो 2 साल तक दूध आता रहेगा। तो आना जो शुरू होता है वो तो इसलिए होता है कि प्रोलैक्टिन के लेवल स्टार्ट हो जाते हैं बढ़ने, लेकिन प्रोलैक्टिन के लेवल जो डाउन आते हैं वो डाउन उस पर बहुत सारा इस पर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कब तक दूध पिला रही है। ब्रेस्ट मिल्क बनता कैसे है ये तो आपने समझ लिया। अब आपने ये भी सुना होगा कि बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, सबसे पौष्टिक होता है। उसमें ऐसा क्या होता है और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के क्या फायदे होते हैं, ये समझने के लिए मैंने डॉक्टर ऋतु सभरवाल को फोन मिलाया। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, जो माँ का दूध है वो इंसान के बच्चे के लिए बना हुआ है, अब गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बना हुआ है, ठीक है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बना हुआ है। अब अगर हम माँ का हर जानवर का जो दूध आता है, जितने भी हमारे मैमरी ग्लैंड्स हैं, जो भी मैमल्स हैं, सबका दूध पर्टिकुलरली उनके बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। तो अब ये हम लोग, ठीक है, हम गाय का दूध बच्चों को पिला देते हैं एज एन ऑप्शन, 2nd ऑप्शन, कि अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, ये क्लोजेस्ट होता है। जो हम पाउडर मिल्क, आजकल कई कई किस्म के पाउडर मिल्क आ गए हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द मदर्स मिल्क, बट वो सेम चीज तो हो ही नहीं सकती ना।
वो तो कुदरत ने उसको बनाया बच्चे के लिए, मदर के जो दूध है वो तो बच्चे के लिए बनाया है, तो वो माँ के, माँ का दूध तो उससे बेस्ट तो कोई चीज हो नहीं सकती। सेकेंडली जब बच्चे को, एक एडवांटेजेस ये है ब्रेस्ट फीडिंग के कि जब आप बच्चे को माँ अपना दूध पिलाती है, तो एक तो बच्चे को मदर से क्लोज फील करता है बच्चा, बच्चा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। ऐसे बच्चे देखे गए हैं कि लेटर इन लाइफ दे आर मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज उनमें शुरू से सेंस ऑफ एक दे फील सिक्योर, इनसिक्योरिटी की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती उनके अंदर। सेकेंडली अब ये है ऑन डिमांड भी ब्रेस्ट फीडिंग होती है हम लोग के यहाँ, जैसे बच्चे को भूख लगी मदर ने ब्रेस्ट पे लगाया दूध पिला दिया। अब अगर हम टॉप फीडिंग देते हैं तो इतना समय खबर, जब तक वो बच्चा रोता रहेगा माँ जाएगी बोतल उबालेगी दूध तैयार करेगी, उतनी देर में बच्चा बेचारा रोता रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज रेडिली अवेलेबल। थर्डली जब आप टॉप फीडिंग देते हैं तो उसमें क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बॉटल ठीक से बॉयल नहीं हुई, निपल ठीक से बॉयल नहीं हुआ, इधर उधर टच हो गया, तो उसमें बच्चे को इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। मदर्स मिल्क तो इट इज स्टराइल, उसमें कोई इन्फेक्शन होने का चांस ही नहीं है। फोर्थली मदर को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाया है, उससे मदर को एक बच्चे से क्लोज कॉन्टैक्ट आने की वजह से मदर को एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप मदर चाइल्ड का डेवलप हो जाता है, विच इज वेरी यूजफुल लेटर इन इन द लेटर ईयर्स फॉर अ हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। तो ये सारी चीजें हैं। और प्लस अब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उसमें कि ये भी देखा गया है कि मदर्स का जो वेट गेन है वो जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन हो जाता है, तो यूजली जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो इट इज इजियर फॉर अ मदर टू लूज वेट इफ शी इज ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड। कुछ दिन पहले हमारे दफ्तर में साइको एनालिस्ट डॉक्टर सलमान अख्तर आए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि दूध पिलाती माँ के स्पर्श का बच्चे के दिमाग पर भी असर होता है। आप बातचीत का वो हिस्सा भी सुनिए। म्यूजिक का हमेशा माँ के जिस्म से रिश्ता है, जिससे कि प्लेसेंटल आर्टरी के परसेप्शंस, जब बच्चा पेट में है तो आर्टरी के परसेप्शंस, उसके बाद जब लेफ्ट ब्रेस्ट पे, कोई माँ हो, लेफ्ट हैंडेड हो राइट हैंड हो, जब बच्चा ज़्यादा दुखी होता है तो शी ऑलवेज टेक्स इट टू द लेफ्ट ब्रेस्ट, जिसमें हमारी ओरिजिनल थ्योरी ये थी कि बच्चे के कान में दिल की धड़कन की आवाज़ जाती है तो उसको लगता है मैं पेट के अंदर ही हूँ, तो वो सेफ महसूस करता है। अब ये थ्योरी को कहते हैं ये वीक है थ्योरी, नई थ्योरी ढूंढी कि आप ये इमेजिन कीजिए बच्चे को ऐसे यहाँ इस लेफ्ट सीने पर रखा तो उसका कान कौन सा ऊपर है, उसका कान कौन सा ऊपर है, आप लोग फैसला कर लें फिर मैं बताता हूँ। है लेफ्ट, लेफ्ट कान ऊपर है, तो जब माँ विस्पर करेगी तो लेफ्ट कान से कौन सा ब्रेन स्टिमुलेट होगा, राइट ब्रेन, जहां पे जज्बात होते हैं। तो ये सब जो देखिए एनिमल्स की भी तो विजडम है ना, जो बनी हुई विजडम, तो इन सारी बातों से म्यूजिक जो एंड फंडामेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए ड्रम, उसके बाद वेरिएशन से ड्रम इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिससे कि पल्सेशन ऑफ द प्लेसेंटल आर्टरी, हार्ट बीट, राइट ब्रेन स्टिमुलेशन, उसके बाद लफ्ज दाखिल होंगे लोरियों में, नन्ही कली सोने चली। ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे और उसके असर के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन हर किसी के लिए ये इतना आसान भी नहीं होता। बच्चे की डिलीवरी के बाद कई माएं तुरंत दूध नहीं पिला पाती, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए ये बताया डॉक्टर रितु ने। डिलीवरी के तुरंत बाद दूध नहीं आता, डिलीवरी के तुरंत बाद कोलोस्ट्रम आता है। कोलोस्ट्रम जो होता है वो एक लिक्विडी वाटरी टाइप का, मतलब पतला दूध का एक पतला वाला फॉर्म होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। पहले 2 दिन कोलोस्ट्रम आता है, तीसरे दिन से दूध जो गाढ़ा वाला दूध आना शुरू हो जाता है। तो जो पार्ट थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी आता है उसको औरतें समझती है अरे दूध तो आ ही नहीं रहा, दूध तो आ ही नहीं रहा। अब क्या है कि शुरू में बच्चे की रिक्वायरमेंट कम होती है तो दूध कम आता है, जैसे जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है दूध ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। तो अब एक दिन के बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दूध हर औरत के निकाल सकती है। बस ये है कि शुरू शुरू में क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होती तो बच्चे को आप बार बार अगर छाती से लगाएंगे तो जब अगर बच्चा सकल करेगा एक बार दो बार तीन बार तो ऑटोमेटिकली दूध आना शुरू हो जाता है। लैक्टेशन फेलियर जिसको हम बोलते हैं वो एक बहुत रेयर चीज होती है, जिसमें ऐसा नहीं कि हर औरत के दूध नहीं आ रहा दूध नहीं आ रहा, हर औरत यही बोलेगी दूध नहीं आ रहा दूध नहीं आ रहा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी दर्द भी होती है जब आप बच्चे को दूध पिलाना पहली बार शुरू करते हैं, फिर आपके स्टिचेस भी लगे होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे के साथ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि दूध नहीं आए। लैक्टेशन फेलियर इज अ वेरी रेयर एंटिटी, इट डज नॉट हैपन नॉर्मली।
तो हर औरत को दूध आता है और जितना उसके बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है उतना दूध प्रोडक्शन कुदरत देती ही देती है। कई माओं को दूध ज्यादा या कम बनता है, ऐसे में वो क्या करें, ये भी मैंने डॉक्टर से पूछा। और ये भी पूछा कि कितने समय तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए और बच्चे से ब्रेस्ट फीडिंग की आदत छुड़ाने के लिए क्या किया जाए। आजकल बहुत सारे ब्रेस्ट बैंक्स भी खुल गए, ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स भी खुल गए हैं। फोर्टिस वालों ने शायद एक नया बैंक खोला है, तो उसमें है कि अगर जो एक्सेसिव दूध होता है तो वो आप वहाँ बैंक में डोनेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वहाँ पे वो फ्रीज करके आगे देते हैं, तो जिन बच्चों को नर्सरी में अगर बच्चा है और उसको हमें ब्रेस्ट मिल्क देना है तो वहां से बाय भी कर सकते हैं। ये अभी कॉन्सेप्ट जस्ट लेटली स्टार्ट हुआ है, तो डोनेट कर सकते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में अगर एक ही फैमिली में भाई बच्चे होते रहते थे साथ साथ, तो जैसे किसी की डिलीवरी हुई है उसको एक दो दिन प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्मली क्या कहते थे, चलो चाची के का बच्चा हुआ हुआ है, चलो उसको लगवा दो दूध, उसका पी लेगा बच्चा, जब तक उसका अगर इसका पेट नहीं भर रहा तब तक उसका मिल्क प्रोडक्शन उसको उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। बट डोनेट डेफिनेटली कर सकते हैं अगर एक्सेस आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा ऐसा होता नहीं है यूजुअली। एक चीज है जैसे ट्विंस होते हैं, कई बार किसी के ट्विंस हो गए या ट्रिपलेट्स हो गए, उन केसेस में कई बार मिल्क जैसे इतना नहीं वो प्रोड्यूस कर पाती माँ की दो बच्चों को भी पिला सके या तीन बच्चों को पिला सके। जैसे आजकल IVF प्रेगनेंसीज होती है, तो उन IVF प्रेगनेंसीज में क्या है कि कई बार ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, तो उसमें है कि कब मोस्टली तो पिला ही लेती, ट्विंस को तो एक मदर पिला ही लेती है, बट कई बार कभी क्योंकि इट इज अनकंफर्टेबल, एक बच्चा रो रहा है उसको पिलाया तो दूसरा मतलब वो माँ इसी काम में लगी रह जाती है। तो उन केसेस में हाँ आप टॉप फीडिंग साथ में सप्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट नॉट ओनली टॉप फीडिंग। सप्लीमेंट मीन्स पहले आप माँ अपना पूरा दूध पिलाए, जब उसका लगे कि बच्चा बिल्कुल अब आ ही नहीं रहा है, दूध खत्म हो गया, ब्रेस्ट बिल्कुल खाली हो जाएगी, मदर को पता लग जाता है ब्रेस्ट खाली हो गई है, और उसके बाद भी बच्चा अगर भूखा है तो उसको फिर आप टॉपिंग अप कर सकते हैं ऊपर के दूध से, बट पहले आप अपना दूध पिलाएं। देखिए पहले 6 महीने तो हम सिर्फ ओनली ब्रेस्ट मिल्क बताते हैं, पहले 6 महीने तो आपने और कुछ देना ही नहीं। 6 महीने के बाद हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, वीनिंग का मतलब हम टॉप टॉप जो सॉलिड सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो हम जब सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हम दाल दलिया खिचड़ी इस तरह से पतला पतला बना के, फ्रूट जूसेस फ्रूट्स मैश करके देना, आलू मैश करके देना, खिचड़ी बनाना, ये सब चीजें हम ऐड करते हैं। लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि इसके साथ आप दूध ऊपर का मत दीजिए, दूध सिर्फ अपना ही पिलाइए, सॉलिड्स आप ऊपर से दीजिए। लोग गलती क्या करते हैं कि दूध अपना छुड़ा के और गाय का दूध पिलाना शुरू कर दिया, पाउडर मिल्क डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिया कि हाँ अब तो 6 महीने हो गए, अब हमने अपना पिला लिया, अब हम ऊपर का दूध पिलाएंगे, बोतल भरी लो पकड़ा दो, चलो जी मेड को दे दिया उसने पिला दिया, वो गलत है। आप दूध अपना ही पिलाते रहिए एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तक, लेकिन हाँ आप उसमें एक आप जो फीड आप उसका मिस करेंगे उसके बदले में आप बच्चे को सॉलिड दीजिए। फिर आप दो फीड्स आप मिस करेंगे उसके बच्चे में बदले को दो मील्स दीजिए। तो ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली हमें सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स ऐड करने हैं, लेकिन दूध अपना ही पिलाते जाना है, ये गलती नहीं करनी कि दूध हमने ऊपर का पिलाना है। तो यूजुअली हम 1.5 से 2 साल तक हम कहते हैं कि बच्चे को मदर का मिल्क मिलना चाहिए अगर पॉसिबल है। तो बाद में फिर क्या होता है, कई बार बच्चे को आदत हो जाती है तो बच्चा रात को सोता नहीं है मदर का दूध लिए बिना, तो रात के टाइम आप 1 फीड दे दीजिए, 2 फीड दे दीजिए रात के टाइम, बाकी दिन में फिर आप सॉलिड्स दीजिए बच्चे को। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू मिल्क को टॉप मिल्क से मत सप्लीमेंट करिए, मिल्क अपना ही दीजिए बाकी सॉलिड्स दीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े खूब सारे मिथ भी हैं, जैसे ब्रेस्ट फीड कराने वाली माओं को सादा खाना खाना चाहिए, फीडिंग कराने से ब्रेस्ट साइज और शेप बिगड़ जाता है, इनकी सच्चाई भी मैंने पूछी डॉक्टर रितु से। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट का साइज डेफिनेटली बड़ा हो जाता है, डिलीवरी के बाद डेफिनेटली आपका ब्रेस्ट साइज बड़ा होगा, बट दैट इज नॉर्मल, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, जैसे ये ह्यूमन कुदरत की देन है तो ऐसा होता ही है, उसके लिए कोई कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इसकी वेट आपका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेट आपका एक बार आपने जितना वेट गेन कर लेंगे, लोगों को कहते हैं जब दूध पिला रही है चलो इतना ये भी खा लो, घी भी खा लो, ये भी खा लो, वो नहीं, आप थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा लीजिए, लेकिन खाने में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि प्रोटीन ज्यादा लीजिए, कैल्शियम ज्यादा लीजिए, जिन चीजों की आपको जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि आप खाते ही चले जा रहे हैं क्योंकि आप दूध पिला रहे हैं, तो इट डजंट गिव यू अ लाइसेंस टू यू नो जस्ट पुट ऑन 20 किलोज और 30 किलोज ऑफ वेट। नंबर 1, ब्रेस्ट फीडिंग में आप जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना उसके अंदर जो भी आप खाएंगी, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें खाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लहसुन खाते हैं, गार्लिक, लोग मना करते हैं गार्लिक मत दीजिए, तो वो स्मेल देखी गई है कि वो दूध में भी एक्सक्रीट होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, अगर सपोजिंग एक इंडियन मदर है जो कि गार्लिक खा रही है और वो
अमेरिकन स्टाइल में वहां पे मतलब बच्चा उनका बच्चा 1.5 साल या 2 साल का, अगर वो इस वाली मदर का दूध पिएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो उसको यूज टू नहीं है इस स्मेल से। लेकिन हमारे इंडिया में ये देखा गया है और बहुत सारी इंडियन स्टडीज है उसमें ये देखा गया है कि हमारे बच्चे शुरू से इन स्मेल्स के यूज टू होते हैं, ऑल दी स्पाइसेस एंड ऑल दीज थिंग्स ना, इससे हमारे बच्चे ऑलरेडी यूज टू होते हैं, जो कि वेस्टर्नर्स में वो यूज ही नहीं करते तो यूज टू नहीं होते। तो हमारे बच्चों को इतना फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी खाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो बचपन से उन्होंने इस चीज को देखा है। तो वो उस तरह का दूध अगर शुरू से पी रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किसी नए बच्चे को अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियन मदर का दूध, जिसने कि लहसुन खा रखा है या इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल्स वाली चीजें खा रखी, तो वो कई बार बच्चे को पुट ऑफ कर देती है। तो इस वजह से मना करते हैं, सादा खाना इसलिए मना करते हैं, और कोई वजह नहीं है। आई होप ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी सारी जानकारी और सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब एक जरूरी बात, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी स्तनपान कराती हुई माँ की तस्वीर हमारे सामने आती है तो लोग दो धड़े में बट जाते हैं। कुछ लोग उसे मान मर्यादा और संस्कार का पाठ पढ़ाने लगते हैं, उसे शर्म का चोला ओढ़ने की हिदायत देने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उसमें भी वही ममता और वात्सल्य है जिसके वो कसीदे पढ़ा करते हैं और कस्में खाते हैं। इनकी नज़र में वो माँ तुरंत बेशरम और बेकार हो जाती है, जो बेचारी या दूध पिलाते हुए गुदड़ी बनी नहीं दिखती, जो शर्म का लबादा नहीं ओढ़ती, जो माँ अपने माँ होने पर गर्व करती है, जो बच्चे को दूध पिलाने में किसी ताने बाने में नहीं बंधती, वो लोगों को बुरी क्यों लगती है? सोचिएगा इस पर और अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।